नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे खबरें फटाफट में। कुल्लू में राज्य स्तरीय पीपल जातर मेले में संयोगिता चुनी स्प्रिंग क्वीन 2023। प्रतियोगिता में आलिशा फर्स्ट रनर अप और अदिति रही सेकेंड रनर अप। सुंदरनगर उपमंडल के डहर चौक पर फोर व्हीलर और कार में जोरदार भिड़ंत, वाहन क्षतिग्रस्त, सवार सुरक्षित। सोलन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डगशाई में प्रधानाचार्य ने समझाई पवन चक्की की कार्यप्रणाली, विभिन्न तकनीक पर दी उपयोगी जानकारी। सोलन में गाड़ी चुराते युवक व युवती सीसीटीवी कैमरा में कैद, वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में मेगा रोजगार मेला 3 मई को, जिला रोजगार अधिकारी संदीप ठाकुर ने दी जानकारी। शिमला नगर निगम चुनाव से ठीक पहले पूर्व मेयर के बेटे की गाड़ी से मिली शराब, पुलिस ने दर्ज किया मामला। हमीरपुर के सिविल अस्पताल टौनी देवी में प्रत्येक बेड को अब ऑक्सीजन की होगी सीधी सप्लाई, सिलेंडर उठाकर वार्ड तक ले जाने की समस्या से छुटकारा। चंबा में राइड विद प्राइड वाहन का किराया दोगुना करने पर भाजपा ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। हमीरपुर के नादौन में सीटू ने धूमधाम से मनाया मजदूर दिवस, सैकड़ों मजदूरों ने नारे लगाते हुए निकाली रैली। सोलन के वार्ड नंबर 2 में चोरों ने सोने व चांदी के आभूषणों पर किया हाथ साफ, जांच में जुटी पुलिस। सिरमौर के राजगढ़ ब्लॉक में युवाओं ने पानी बचाने के लिए शपथ, पौधे रोपे, बावड़ी संवारी। चंडीगढ़ में लोक भजन गायक काकूराम ठाकुर ने प्रस्तुतियों से नचाए दर्शक, कांगड़ी और मंडियाली धाम के लिए लोगों ने चटकारे। सोलन शहर में एक बच्चे के साथ दुराचार पर केस दर्ज, छानबीन में जुटी पुलिस। खबरें फटाफट में, आज के लिए बस इतना ही, बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।